हे हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजू और यह है सितारों की महफिल डांस ट्यूटोरियल का पार्ट टू। पार्ट वन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और मेरे डांस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पार्ट टू में हमें ऋतिक सर के सारे बीट मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो है इसमें हमें इस स्टेप के बाद से स्टार्ट करना है, जो कि हमने यहाँ से इस लेग मूवमेंट से छोड़ी थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्टेप में हमको स्ट्रेट खड़ा होना है और यहाँ से वेव लेना है नीचे से ऊपर तक, और लेग को इस तरह आगे बढ़ाना है, पहले राइट लेग फिर लेफ्ट लेग, पहले जॉइंट और इस तरह हमको स्लिप करना है लेग को, जैसे कि हम मून वॉक करते हैं। मून वॉक के साथ ही हल्का सा मून वॉक और चार बार हमको ये स्टेप करना है। पहले पास से देख लेते हैं, इस तरह लेग को स्लिप करेंगे और हाथ को इस तरह ऊपर रखेंगे, अपोजिट एंड अपोजिट लेग ऊपर की तरफ आएगा और हर बार लेग को चेंज करते हुए एक वेव हमको ऊपर की तरफ लेना है। क्रॉस और वेव, क्रॉस वेव, क्रॉस करके वेव और अगेन क्रॉस करके वेव। फास्ट देखते हैं, इस तरह क्रॉस करते हुए वेव करना है ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ वेव करना है, फिर हाथ को ऊपर लेंगे और फिर साइड में लेंगे, पहले ऊपर और फिर साइड में, इस तरह से एक हाथ सर के पास और दूसरा सामने की तरफ, ऊपर और साइड में, वन एंड टू, इस तरह पॉइंट करना है हाथ को। उसके बाद दोनों पैरों को इस तरह खोलना है, वन एंड टू, उसके साथ हाथ को भी खोलना है, वन एंड टू। वापस से देखते हैं, वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव एंड फोर्थ टाइम वेव, ऊपर लेफ्ट लेग जैसे पीछे होगा हाथ ऊपर होंगे और फिर साइड में, फिर दोनों बार की बीट लेना है, पैर ऐसे खोल के रखना है, हाथ इस तरह से स्ट्रेट रखना है, एक बेंड और एक स्ट्रेट, लेफ्ट वाला स्ट्रेट राइट वाला बेंड, यहाँ से वन और टू। एक बार फिर से करते हैं, दोनों हाथ ऊपर सामने साइड में, साइड में, और इसके बाद हमको राइट लेग से जंप करना है, किक मारते हुए जंप, इस तरह से साइड में है और राइट से ऊपर की तरफ किक करना है, यहाँ से साइड में हाथ हैं, इस तरह की पोजीशन लेने के बाद एक किक करना है फास्ट। किक करने के बाद जब हम साइड में आएंगे तो बॉडी इस तरफ से पीछे की तरफ लेना है और दो बार पैर का इस तरह से मूवमेंट करना है बेंड करके, और राइट लेग घुटने पर रखने के बाद वन टू, और घुटने पर रखने के बाद इस तरह की पोजीशन में आना है, फिर से यहाँ से राइट लेग को इस लेग को वन टू नीचे रखना है, पीछे हमें पोजीशन लेनी है इस तरह की, और राइट लेग को नीचे रखते हुए दूसरा पैर इस तरह ऊपर रहेगा और राइट हैंड को नीचे रखना है फ्लोर के ऊपर, और फिर इस तरह से लेग को चेंज करना है। इस स्टेप को थोड़ा सा स्लो करना है जिसमें हम बीट को कंप्लीट कर पाएँ, जो लेफ्ट लेग है उसकी जगह राइट आ जाएगा और राइट की जगह लेफ्ट आ जाएगा, और फिर हमको इस तरह सामने आना है, हाथ चाहें तो आप घुमा कर ले सकते हैं ऊपर फिंगर को पॉइंट करने, या सीधा सीधे ऊपर ले सकते हैं, सर इस तरह ऊपर रहेगा, फिर से वन टू चेंज और सीधे ऊपर की तरफ। इसके बाद राइट लेग से राइट हैंड वाला स्टेप करना है, दो बार हाथ को इस तरह खोलेंगे, राइट हैंड यहाँ से बेंड होगा और दो बार खोलना है, इन आउट करना है, इन आउट दो बार, इस पैर को राइट वाले पैर को इन करेंगे और हाथ के साथ आउट करेंगे इस तरह से दो बार, पहले अंदर लेना है हाथ को और पैर को और फिर बाहर खोलना है दो बार फास्ट, वन टू। इसके बाद राइट को लेफ्ट से ज्वाइन करेंगे और लेफ्ट को बाहर खोलेंगे, फिर से एक बार देखते हैं, वन टू, राइट को ज्वाइन किया लेफ्ट को खोला, फिर से वन टू, और हाथों की पोजीशन इसके साथ वेव की पोजीशन में लेना है इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ, फिर से देखते हैं, हाथों को ऐसे ज्वाइन करेंगे इसमें, वन टू, पहले नीचे और फिर ऊपर, इसके साथ पैर भी चलेंगे दोनों तरफ, इस तरह से आपको वेव करते हुए लेना है नीचे से ऊपर की तरफ, फिर से वन टू, नीचे से ऊपर की तरफ लिया, जैसे ही लेग खोलेंगे वैसे ही हाथ ऊपर जाएंगे, वापस नीचे आ जाएंगे, अगेन वापस से देखते हैं, वन और टू, इस तरह से नीचे से ऊपर, वन टू, वेव किया ऊपर ले गए और नीचे की तरफ लाए, साइड में देखें, आप चाहें तो हाथों को इस तरह से वेव कर सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरह से, फिर से देखते हैं, वन टू, नीचे से ऊपर वेव, सेम टू सेम सेकेंड टाइम, थ्री फोर, नीचे से ऊपर वेव, सेम टू सेम टू टाइम्स होगा ये स्टेप। इसके बाद जो हमारा
राइट हैंड है और राइट लेग है, वो पास पास होगा और लेफ्ट हैंड सीधा स्ट्रेट, और इस तरह हमको पीछे की तरफ लेग को स्लिप करते हुए लाना है। फिर से 1, 2, 3 एंड 4, राइट हैंड के साथ राइट लेग जाएगा, लेफ्ट हैंड के साथ लेफ्ट लेग। फिर से देखते हैं एक बार वापस से, 1, पैरों को इतना दूर रखना और उसके साथ हाथ को खींचना है, और लेफ्ट हैंड के साथ लेफ्ट लेग। 2, राइट हैंड राइट लेग। 3, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग। 4, वापस से स्टार्टिंग से 1, 2, नीचे से ऊपर की तरफ। 3, 4, नीचे से ऊपर की तरफ। अब 4 टाइम्स पीछे की तरफ, 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद 4 टाइम्स करने के बाद जो हमारा राइट लेग है उसकी तरफ से हमको टर्न होना है लेफ्ट हैंड की तरफ, इस तरह से हाथ को एक झटके के साथ छोड़ेंगे और राइट हैंड को ही सीधा करेंगे और 4 टाइम्स पीछे की तरफ जाते हुए वेव लेंगे, इस तरह से 4 टाइम्स। फिर से 1, 2, नीचे से ऊपर वेव। अगेन 3, 4, नीचे से ऊपर की तरफ वेव। उसके बाद 4 बार पीछे स्लिप, 1, 2, 3, 4, यहाँ से हाथ को छोड़ा, 1, 2, 3, 4, 4 बार वेव लेना है। इस स्टेप को करते टाइम पैरों को इस तरह नीचे ज़मीन पर ही स्लिप करना है 4 टाइम, और हाथ को छोड़ते हुए दूसरे हाथ को अपनी जगह पर रखेंगे और जो हाथ पीछे था वही सामने हो जाएगा, इस तरह से पीछे की तरफ चलते हुए 4 बार इस तरह से वेव करेंगे, हाथ को सीधा रखते हुए इस तरह वेव करना है, पैर को इस तरह क्रॉस रखते हुए वेव होगा 4 टाइम्स। इसके बाद राइट हैंड स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, राइट नीचे और राइट ही ऊपर। 1, शोल्डर के पास हाथ होगा अपोजिट। 2, अपोजिट हाथ शोल्डर के पास। 3 में राइट हैंड नीचे और फोर्थ में ऊपर, जो लेफ्ट हैंड है वो राइट के नीचे आ जाएगा, इस तरह से। ये स्टेप फास्ट करना है। फिर से 1, 2, डाउन अप, 1, 2, डाउन अप। ये स्टेप 3 बार है, इसको 3 बार काउंट करेंगे। फिर से 1, 2, 3, इस तरह से 3 टाइम्स, 1, 2, 3, डाउन करके अप करना है। अब इसमें लेग को मर्ज करेंगे, 1, 2, डाउन, और लेग बेंड होगा और ऊपर करने के साथ भी लेग बेंड ही रहेगा, बाहर नहीं खोलना है उसको। अगेन 1, 2, डाउन और अप। जब लेग इनसाइड रहेगा 2 टाइम्स इस तरफ, बाहर खोलना है लेग को, इस तरह से। फिर से 1 एंड 2, अगेन 1, 2, डाउन अप। अब 2 बार इस तरह से हाथ रखने के बाद 1 एंड 2, हाथ को खींचने के साथ लेग को बाहर लाना है, इस तरह फास्ट में इस तरह दिखेगा स्टेप। 1, 2, हैंड डाउन अप, लेग 2 बार बाहर, इस तरह। इसको बाहर रखने के बाद जो हमने इसको खींचा उसके बाद फास्ट लेफ्ट लेग आगे आएगा लेफ्ट हैंड के साथ, फिर राइट हैंड राइट लेग के साथ, फिर लेफ्ट, फिर राइट, जो पैर आगे रहेगा वही लेग ऊपर, इस तरह से। इस स्टेप को एक बार पास से देखते हैं। लेफ्ट को आगे करेंगे, पंजे के ऊपर, हील ऊपर रहेगा, पंजे के ऊपर लेना है लेफ्ट लेग को सबसे पहले। हाथ का पोजीशन नहीं ले रहे हैं, सबसे पहले लेग का पोजीशन समझते हैं। पहले लेफ्ट, उसके बाद जॉइन करके इस पोजीशन को करने के बाद फिर राइट पैर आगे आएगा, फिर लेफ्ट और फिर राइट, 4 बार ये स्टेप होना है। फिर से करते हैं, पहले लेफ्ट, जॉइंट राइट, जॉइंट लेफ्ट और जॉइंट राइट। इस स्टेप को करते हुए आपको स्ट्रेट आ जाना है, पहले हाथ के साथ इस तरह नहीं लेना, आपको अपोजिट अपोजिट नहीं लेना है, जो पैर आगे होगा वही हाथ आपको आगे लेना है फर्स्ट वाली स्टेप में। फिर से देखते हैं, 1, 2, 3, 4, फास्ट करेंगे तो स्टेप थोड़ा सा अलग दिखेगा, 4 टाइम्स करना है, 1, 2, 3 और 4 के साथ सामने आना है, राइट हैंड राइट लेग, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग, 1, 2, 3, 4, लेफ्ट से शुरू करते हुए राइट पे ख़त्म करना है, इस तरफ से एक क्रॉस लेना है, इसके बाद इस तरह लेफ्ट लेग को पीछे और राइट लेग को आगे ले जाते हुए हाथों के साथ एक क्रॉस लेना है। इसके बाद पोजीशन चेंज करते हुए लेफ्ट को आगे और राइट को पीछे लेते हुए एक क्रॉस करना है। फिर से 1, 2, 3, 4, साइड में क्रॉस करेंगे इस तरह से हाथों के साथ, उसके बाद अपोजिट में क्रॉस करेंगे और एक वेव लेना है आपको आगे बढ़ते टाइम, इस तरह से। नीचे से ऊपर अगर आप वेव लेंगे तो स्टेप ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा,
इसके बाद वाले स्टेप में पहले लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, फिर राइट लेग। इसमें अपोजिट हैंड अपोजिट लेग चलेगा। सबसे पहले हमने सेम लेग सेम हैंड लिया था, अब हमको अपोजिट हैंड अपोजिट लेग लेना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग, पहले लेफ्ट लेग पीछे जाएगा इस तरह, फिर राइट लेग, फिर लेफ्ट लेग और फिर राइट लेग, इस तरह से। इसके साथ हमको लेफ्ट लेग लेते हुए राइट हैंड लेना है। पैरों का पोजीशन समझ लीजिए, पहले पहले लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इसके साथ हैंड पोजीशन लेफ्ट के साथ राइट, राइट के साथ लेफ्ट, इस तरह लेना है। और हर बार करते वक्त आपका चिन हल्का सा ऊपर होना चाहिए, इस तरह हल्का सा वेव दिखेगा। 1 2 3 4 लास्ट वाला स्टेप हमको 4 times जो हमको करना है, लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है 4 times। 1 2 3 and 4 क्योंकि इसके बाद जो वेव वाला स्टेप है हमको स्ट्रेट रहते हुए सामने, वेव वाला जो स्टेप है वो हमको लेफ्ट से शुरू करना है, इसलिए पोजीशन राइट पे ख़त्म होना चाहिए। और यहाँ से फिर हम एक वेव लेंगे, लेफ्ट हैंड से एक वेव लेंगे और पूरा बॉडी को इस तरह वेव लेते हुए नीचे लेकर जाएंगे साइड में राइट हैंड से। राइट हैंड का पूरा जो पॉइंट है वो वेव के साथ चलना चाहिए इस तरह। थोड़ा स्लो समझते हैं, पहले दोनों लेग ज्वाइंट, फिर लेफ्ट से वेव लेते हुए राइट की तरफ इस तरह बेंड होंगे, कमर को हल्का सा बेंड करना है। वेव लिया, बेंड किया, इस तरह चेस्ट पर से आते हुए साइड में एक झटका देना है बॉडी को, और उसके साथ ही दोनों हाथों को ऐसा क्रॉस करेंगे। झटके के बाद इस तरह से क्रॉस किया और हाथों की पोजीशन को इस तरह चेंज करना है। झटके के बाद क्रॉस और लेग को ज्वाइन करेंगे और साइड में टर्न हो जाएंगे। इस स्टेप को थोड़ा सा और बारीकी से समझिएगा। लेफ्ट हैंड से वेव किया, हाथों को क्रॉस किया, राइट हैंड इस तरह से टर्न होगा और पंजा जो है सामने की तरफ होगा इस तरह। लेफ्ट से वेव किया, साइड में झटका, पूरे हाथ को इस तरह लहराते हुए बॉडी पे से लाना है और इस तरह टर्न होना है साइड में। इस स्टेप को एक हाथ से समझते हैं, इस तरह से वेव लेना है और साइड में इस तरह टर्न होना है। लेफ्ट हैंड से वेव लिया इस तरह और हाथ को छोड़ देना है आपको वेव लेते ही। लेफ्ट हैंड से वेव लिया और उसको छोड़ देना है, हवा में नहीं रखना है, इस तरह छोड़ा, साइड में गए, एक वेव लिया ऊपर से नीचे और इस तरह आ गया है। सिंपल सा स्टेप, इसको थोड़ा सा हाथों के साथ अट्रैक्टिव बनाया गया है। साइड में हुए, वेव किया और ऊपर की तरफ आए। अब राइट हैंड के साथ करेंगे, इस तरह से वेव किया, साइड में हल्का सा झटका, दोनों हाथों को इस तरह क्रॉस करेंगे, राइट हैंड ऊपर की तरफ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ। इस तरह क्रॉस करने के बाद हाथ को हल्का सा टर्न करेंगे, क्रॉस किया, टर्न किया, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, इस तरह से क्रॉस करने के बाद और बॉडी साइड में हो जाएगी। हल्का सा टर्न करना है हाथ को, वापस से क्रॉस किया और साइड में टर्न हुए। इस तरह क्रॉस करते ही बॉडी साइड में हो जाएगी, सामने नहीं रखना है। टर्न किया, पंजा सामने की तरफ और दूसरा हाथ राइट हैंड की कोनी के नीचे, टर्न किया। और इसके बाद आपको वेव लेना है, जब आपकी हाथ की पोजीशन पूरी हो जाती है, इस तरह टर्न करने के बाद पोजीशन पूरी हुई, उसके बाद आपको वेव लेना है नीचे की तरफ इस तरह से और ऊपर की तरफ और सामने। इसके बाद आप जो सामने हाथ करते हैं उसको वेव के साथ करना है। नीचे से वेव लिया, शोल्डर सामने और इस तरह शोल्डर से एक वेव देना है, जो हम अंदर देते हैं वैसी वेव आपको बाहर देनी। ये नीचे वेव किया और शोल्डर के साथ हाथों को वेव देते हुए पैर को बढ़ाएंगे, लेफ्ट लेग को वहीं रखेंगे, राइट को आगे बढ़ाएंगे, वेव लिया। इस तरह नहीं करना है आपको, नॉर्मल से हाथ सिर्फ सामने नहीं रख देना है, वेव किया और हाथों में भी एक वेव देना है। फिर से लेफ्ट से वेव किया, धीरे धीरे साइड में लाए, दोनों हाथों को क्रॉस किया इस तरह से, राइट ऊपर लेफ्ट नीचे, इस तरह टर्न करेंगे हाथ को। पूरा पोजीशन हो जाने के बाद एक वेव लेंगे नीचे से ऊपर तक की तरफ और फिर हाथ की मदद से दोनों हाथ सामने, पहले वेव, साइड में झटका, दोनों हाथ क्रॉस, राइट ऊपर लेफ्ट नीचे। इसके बाद जब आपका हाथ चेंज हो जाता है उसके बाद आपको झटका लेना है और दोनों हाथों के वेव लेते हुए स्टेप को पूरा करना है इस तरह। फिंगर पॉइंट करेंगे आगे की तरफ, राइट लेग को उठाते हुए, दोनों हाथों के साथ राइट लेग आगे आ जाएगा, टर्न, क्रॉस किया, झटका लिया नीचे की तरफ, टर्न करने के बाद नीचे वेव लेना है और दोनों हाथों को सामने, फास्ट 1 क्रॉस 2। इस तरह आपको एकदम से हाथ लाते ही नीचे वेव नहीं ले लेना है, पहले हाथों को पोजीशन पूरा होना है, उसके बाद नीचे की तरफ वेव लेना है और सामने। वेव लिया और हल्का सा सर को झुकाना है, वापस से करते हैं यहाँ से 1 2
नीचे से ऊपर की तरफ 3, 4, नीचे से ऊपर की तरफ, अब 4 बार 1, 2, 3, 4, हाथ को छोड़ेंगे, हाथ को सामने लिया, 1, 2, 3, 4 टाइम्स वेव। अब 1, 2, नीचे से ऊपर 3, दो बार खींचा, 4, 5। अब लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग, 1, 2, 3 एंड 4, क्रॉस किया, जगह चेंज की, वापस से क्रॉस किया, थोड़ा सा आगे आए वेव लेते हुए। इसके बाद अपोजिट हैंड अपोजिट लेग, लेफ्ट से शुरू करेंगे, 3 एंड 4। इसके बाद मेन स्टेप, वेव लेते हुए साइड में क्रॉस किया, दोनों हाथों को क्रॉस किया, एक झटका नीचे तक लिया, वेव किया और हाथों को वेव देते हुए स्टेप ओवर। ओके सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहने वाला है। बस आपको थोड़े से पेशेंस और रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप सारे स्टेप ज़रूर अचीव कर पाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।